ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। मैं एक ले रही हूँ इसे। मेरा यहाँ पे नेट भी नहीं आ रहा मेरा। आज हम अनोखे तरीके से पाइनएप्पल खाएंगे, कटिंग अनोखे तरीके से देखेंगे। आपको देखा देखा सा लग रहा होगा कि हम फिर से यहाँ आ गए। ये इतना सुंदर है ही कि इंसान बार बार आना चाहेगा यहाँ पे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे। रास्ता ये है जाने का, और ये ब्लॉग भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आए हुए हैं कहीं, अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। पहले आपको आसपास का व्यू दिखा देती हूँ, और जिन्होंने गेस कर लिया है वो कमेंट अभी ही कर देना, और पूरे ब्लॉग को देखना मत भूलना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। जब भी सात्विक ये ऐसा कुछ पहन के आए, ड्रेस यही वाला पहन के आए, तो आप समझ जाना कि हम कहीं ऐसी जगह आए हुए हैं जहाँ पे सात्विक को पसंद है और वहाँ पे एनिमल्स होंगे। ये हमने सात्विक का ड्रेस कोड बना रखा है, आप आसानी से पहचान लोगे। तो पहले सात्विक मैप देखेगा, पहले मैप देखेगा। ओके लेट्स गो। देख लिया सात्विक ने। मैंने अनिल को बोला था आप वेलकम करना, तो अनिल बोल रहे मैं नहीं करूंगा। क्यों, ऐसा क्यों? आप अच्छा करते हो ना। और आज क्या हुआ था, बालकनी से क्या देखा था आपने? मैं उसकी वीडियो आपको यूएफओ था ना उसकी वीडियो मैं अपलोड करूंगी, इसके बाद जस्ट कर दूंगी। लेकिन उसके बाद अनिल ने मुझे बोला कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे। नहीं, मैंने बोला था आपको बोलना चाहिए कि उस चीज का ऐड करने के लिए उन्होंने हमें बोला था कि हम यहाँ से चार्टर प्लेन लेके जाएंगे आप कवरेज करना। कुछ भी मतलब कुछ भी। ये न्यू वर्ल्ड वालों का ना शायद कितना 25th ना, जो विक्टोरिया पार्क वाला स्टोर है उसका 25th एनिवर्सरी है, तो वो हमारे सामने से ऐसे लेके जा रहे थे। तो अनिल बोल रहे हम बोलेंगे कि इन्होंने हमें बोला था, हम नहीं गए, तो हमारे सामने से हेलीकॉप्टर लेके गए हैं वो। रिलैक्स। मैं तो अनिल ने मुझे मना किया इधर से नहीं जाने के लिए, मैं इधर से। ओ ये जानवरों के लिए था, ये जानवरों के लिए था जिससे मैं चढ़ के आई हूँ। साथ ही इधर जाओ, दूसरे नंबर रास्ते बेटा, इधर आओ। इस दिस साइड वी विल गो फ्रॉम दिस साइड। नहीं मैं नहीं जाऊंगी दिस साइड से, मैं इस साइड से जाऊंगी।
वाओ देखो देखो इधर इस साइड दिस, इसीलिए इस साइड ही आना चाहिए वो साइड ठीक नहीं है। आई थिंक उधर से होगा, लोग जा रहे हैं ना इधर से, तो नहीं इधर से नहीं होगा अनिल। जा सकते हैं ना? ओके अरे हाँ जाओ ना। आज मैं क्लेचर रबर रबर लेके नहीं आई तो आज ही हवा चलेगी, हवा तो हमेशा यहाँ पे ऐसे चलती है। कल भी ऐसी हुआ था मेरे साथ यार, फिर आज गंदे होंगे सब कुछ। ये स्काई टावर इतना दूर कैसे हो गया यार, इतने दूर से आए हम। जैकेट पहनो, देख तो सकते हो एनिमल्स, लेकिन ना पता है क्या इनका फार्म में ना मतलब एनिमल्स हैं तो थोड़ा तो गंदा हो गया ही होगा, तो बहुत ज्यादा इस वजह से हम जल्दी से ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे ना, कहाँ पे गए थे, कौन से पार्क गए थे, वहाँ गए थे ना, पूरे शूज वगैरह गंदे हो गए थे। और यहाँ पे अभी मौसम इतना खराब है कि एक बार आप अपने अपने जूते को अच्छे से धोया ना सूखने में 3-4 दिन लग जाएंगे। और मेरे को ना, मुझे ये शूज बहुत पसंद है, मेरे दूसरे मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं तो बाहर नहीं निकलूंगी इसके बिना, तो इसलिए थोड़ा चलते हैं आगे, बाहर से दिखाते हैं आपको। ये कहाँ जाने का रास्ता है? ये इसी साइड जाएगा ना, उधर की तरफ जाएगा। हाँ इस साइड चलेंगे ना। इधर से एक गलत रास्ता आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। क्या बात कर रही हूँ, ये हर एक जगह होता है ना, तो फिर कपड़े ना, कपड़े जूते सभी गीले हो जाते, गीले के गंदे हो जाते हैं। जाना छोड़ देगा, किंडी वगैरह जाना छोड़ देगा यहीं पे रहा करेगा
रहा है कि वो जो डॉग है ना, कहाँ है वो डॉग, इनका बच्चा है। You not touch them? Yes. Go. Go and touch. Yes. But don't run away, okay? If you run, then they will also run. I can walk on the grass. What is this? Alright, let's go outside. We are going. देखा ना कितना, मतलब नेचर के साथ अगर खिलवाड़ ना करो, जैसे ऑलमोस्ट सारी कंट्री में हो रही है, तो कितना सुंदर लगता है। जैसे यहाँ पे अच्छा सा बाय। अभी सातवें कितना ट्रैकिंग कर लिया थोड़ी देर में, बोले डैडी आई एम फीलिंग टायर्ड, गोदी में आ जाते हैं तुरंत तुरंत। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? वन ट्री हिल। हाँ हिल पे डैडी तो लग जाएंगे तुम्हें। वन ट्री हिल। ओके यहाँ पे पूरे के पूरे ग्रुप जा रही है ट्रैकिंग पे। मुझे ना अंकल की याद आ रही है। अंकल की याद आ रही है, अंकल ने हमसे ऐसी ट्रैकिंग करवाई थी। यहाँ पे भी आने के लिए आपको फिट एंड फाइन होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने देर तक चलने के बाद भी अनिल मुझे बोल रहे हैं कि 10-15 मिनट और चलना है। नहीं नहीं टेंशन नहीं, 5-7 मिनट पहुँच जाएगा। 15 मिनट से तो चल ही रही हूँ, 15-20 मिनट से सिर्फ चल रही हूँ। क्या करना है, दौड़ना आपको? नहीं नहीं वो नहीं, नहीं, कर रनिंग करो अभी। नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं ऐसे देख क्रेटर है सर, वोल्केनो इरप्शन हो रहा है। ओ आई विल शो यू, आई विल शो। वीराने में और ऐसा भी नहीं है कि सारे एक ही टाइप के ट्री हो, ऐसा नहीं है, बहुत सारे। इसमें भी फल लगने चाहिए ना, लगे हुए ना, लेकिन वो खाने वाले नहीं हुए ना। मतलब क्या आपको नाश्ते का जुगाड़ चाहिए चलते हुए, कि पेड़ बगल में पेड़ हो उसे फल हो तो भी खाते रहो। अरे यार इंसान थक जाता है तो थोड़ा बहुत तो मतलब जैसे ऑरेंज का होना चाहिए रास्ते में, कोकोनट वाटर होना चाहिए, है ना, गुलाब जामुन का भी होना चाहिए। अभी आपको दिखाने वाली हूँ मैं कि हम कितने हाइट पे पहुंच गए, कितनी ऊंचाइयां छू ली है हमने। ये आपको अनिल की अलग ही ट्रैकिंग हो रही है। कैसा लग रहा है अनिल आपको? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बस ये थोड़ा नीचे चले ना तब और मजा आ। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ जाने को सोच रहे, मैं तो सोच रही ना जाऊं। अनिल नहीं सुनने वाले, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये दिख रहा है आपको,
ये तो सिर्फ रास्ता है, हमें पहुंचना है यहाँ पे, इस जगह पे। चलो चलो, दोनों पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब नहीं जाएंगे आगे। नहीं नहीं, ऊपर मजा आएगा। नहीं यार, मैं थक जाऊंगी। आई थिंक ऊपर एनिमल्स वगैरह है क्या? ऊपर क्यों एनिमल्स? एनिमल्स तो ऊपर नहीं जाते, उनका मन नहीं करता है। इन लोगों को ये वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, यहाँ से ऐसे 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 करके जाने वाला दिख रहा होगा, ये रास्ता पसंद है, लेकिन इस बगल में इतना अच्छा रास्ता है वो नहीं पसंद है। इसे बोलते हैं ट्रैकिंग के लिए प्यार, ऐसा प्यार होना चाहिए। और हमारा प्यार अभी अधूरा रह गया है, शायद हम आज ना जा पाए। यहाँ तक आना भी बहुत मुश्किल है, बिना कार के आए हैं हम यहाँ पे। गोद में लेके जाना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। व्यू तो अच्छा आता होगा वहाँ से, ऐसा लगता है मेरे को। इसे देखो, अच्छा जो कार लेके गए थे ना, वो भी इंडियन ही रहे। ऐसी चीज, हाँ भाई ऐसी चीजें हम ही करते हैं, हम करेंगे करेंगे। वो तो है ही। ये बोलने की बात होती है तो आई होप आज का व्यू, आज का जो ब्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा। अभी हाँ नहीं है कुछ ऐसा मजा, देखते हैं क्या। हाँ अच्छा यार, इधर से देखो ना व्यू कितना अच्छा लग रहा है। उधर जाके वीडियो बना के आती हूँ मैं। ये मुझे लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सबसे ऊंचाई है हाइट पे? नहीं, हाँ उधर जाएंगे आपको। इतनी पास से जाए, दूर लग रहा है आज मुझे। मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, तो हम आए हुए हैं वन ट्री हिल। एक पेड़ को देखने के लिए हमें इतना चढ़ना पड़ा। तो यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही बनता है, तो आप करना मत भूलना प्लीज प्लीज। अभी तुम्हें पता भी नहीं चला कौन सा ट्री है। हम गए नहीं अभी वहाँ पे, नहीं पता ही नहीं चला ना कि इस ट्री, क्योंकि लोकेशन तो दो जगह दिखाता है, ये भी दिखाता है वन ट्री हिल, एक ऊपर वाला दिखाता है। तो हम अभी यहीं आए हुए हैं, यही है वन ट्री हिल हमारे लिए। और आप देख सकते हो कि लोग इंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, तो आप भी आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। इंजॉय करने से पहले आपको 200-300 कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी, तब आप आके यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। और इधर देखो, ये देखो
इसका अलग एंजॉय चल रहा है। नहीं अब 500,000 भी रास्ता, रास्ता दूसरा चल लेना। हाँ ट्रैकिंग वाला रास्ता ना, हम तो रोड से आए हैं। सही में यार स्मूथ रास्ते से अभी चलना, किधर रेस वाले रास्ते से चलना है या नॉर्मल रास्ते? नहीं मुझे इधर से नहीं जाना है, अभी दिखाते हो। अनिल किधर से बोल रहे जाने, इधर से बोल रहे जाने के लिए, इधर से नीचे बिल्कुल ऐसे करके। नहीं मुझे नहीं जाना है आप दोनों के साथ। नो उस दिन तो मैं डेवनपोर्ट में भावनाओं में बह के दोनों के पीछे चल पड़ी थी, उसके बाद जो मेरा हाल हुआ था ना। नो मेरा यहाँ पे नेट भी नहीं आ रहा मेरा। चले हो गया। मुझे नहीं जाना है यार, मुझे नहीं जाना है यार। इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? अनिल 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 हाँ अब हमें जाना चाहिए। व्यू देखो यहाँ से, आप बोल दो इंडिया में लिखते रहे, इसके साथ यहाँ भी लिखा आता है बेंच पे। क्या लिखा है? अच्छा ये हर एक जगह का फैशन है अनिल, इंडिया का ही नहीं है। हम भी लिख देते हैं। नहीं सॉरी, नहीं भाई नहीं नहीं, हमें घर भी जाना है। हमारे फ्रेंड आ रहे हैं, मतलब हमने इनवाइट किया है उनको और डिनर भी बुलाया है उन्हें। और हमारा जो डिनर है ना इतना अनोखा, इतना अनोखा है ना, हम लोग उसी में खुश हो जाते हैं, उसी डिनर में खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना स्पेशल डिनर है, इतना स्पेशल डिनर है कि आप लोग भी देखोगे ना तो आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। तो घर चल के तैयारियाँ करनी है और आपके मुँह में भी पानी आने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहो। हाँ ऐसे नहीं बोलते हैं, अभी नहीं बोलते हैं, ये बहुत अच्छा बहुत चलाक ब्रो, बहुत चलाक ऑडियंस है। मतलब आज ये स्टोरी पढ़ के मुझे ऐसा फील हुआ कि इस दुनिया में प्यार के दुश्मन बहुत है। क्या पढ़ा अनिल आपने, क्या था? नहीं 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 बताएंगे नहीं ना, सस्पेंस है, जो आएगा वो पढ़ेगा तो उसे पसंद आएगा। नहीं थोड़ा सा तो बता दो, थोड़ा सा ताकि वो आए पढ़े तो उन्हें अच्छा लगे वो ये पढ़ने के लिए। बता नहीं, नहीं, कुछ प्लीज प्लीज बता। अब बताओ, अब सात्विक शांत हो गया। तो इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे भी दो माउरी लवर्स हैं, उनकी लव स्टोरी के बारे में बताया गया है कि जो दो लवर्स थे वहाँ से भाग के वेटाकरी चले गए थे। अच्छा तो उसके फादर ने बेटी वापस कर बुलाने के लिए वॉर पार्टी वगैरह रखी थी, उसके वजह से यहाँ पे जो वॉल्केनो वगैरह इरप्ट हुए थे। तो हर जगह कहानी सेम है, सब सब जगह सेम है। जस्ट चिल ब्रो, बस आपका प्यार सक्सेसफुल होना चाहिए। बट लेकिन उसमें है इसका नाम विंटर हिल, तो रखा हुआ पढ़ना पड़ेगा। उस ट्री पे भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। ब्लेस्ड है या कर्स्ड है पता नहीं यार, यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ किया तो नहीं हुआ ना? अरे कुछ नहीं किया होगा। चलो फिर किया भी होगा तो वॉल्केनो से सब चला गया होगा। हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, 3:30 हो गए, उसके बाद फिर 4-5 बज जाएंगे और 6 बजे तक फ्रेंड्स आ जाएंगे। ऐसा ना हो ना, हाँ हमने बुला लिया, हमने तैयारी नहीं की तो इसलिए हमें जल्दी जाना है। तो बोलेंगे अरे हमें लगा हमें आपके लिए डिनर करना था। रास्ता देखो, इट्स अ Cutie.
to meet you. इधर भी है, ये देखो पास पास में चढ़ के आ गए क्या? नहीं नहीं उधर कहीं होंगे। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सामान लेना है, क्यों ना न्यू वर्ल्ड चला जाए, इतना एडवर्टाइज किया है उन्होंने हमारे बालकनी में आके। फिर से कुछ भी नहीं, सच्चा ही है यार, वो हमारी बालकनी के सामने क्यों आए? हमें बताने के लिए है ना। हमने चेक किया, आपको मेल भी आया हुआ था मेरे से। कुछ भी तो अभी चलते हैं वहां से लेते हैं सामान कुछ। दिस साइड क्या हुआ? सही में यार, किस नजर से देखते हो आप? आपको लग रहा है क्या? लग तो रहे, वही बोल रहे, किस नजर से देखते हो ब्रोकली का? क्या पता काटना भूल गए हो। यहाँ पे तो वैसे ही इतनी बड़ी बड़ी सी चीजें मिलती हैं, तो सही में लग रहा है ब्रोकली का भी। टाइम लगेगा? बहुत अच्छे से बनाते हैं ना ये लोग तसल्ली से काम करते हैं। इनको देखोगे कि भले ही लोग कितना भी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन ये इतने अच्छे से काम करते हैं ना, देख के बहुत अच्छा लगता है। लोग इतने आते नहीं है, जैसे इंडिया में तो रश बहुत रहता है, तो सपोर्ट करना पड़ता है। वो अगर ऐसे करने लगे तो देख नहीं पाएंगे। आपको अच्छा लगता है मार्शमेलो? मुझे तो अच्छा लगता है, सातवीं को भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मेरे को बहुत पसंद है। आप ले लेना फिर मेरे हाथ में, मुझे दे देना आप ऐसे। इनका था ये। हमें तो नहीं मिला मार्शमेलो, रहने तो नहीं चाहिए। इनको मैं बोल दूँ ना कि मुझे ये पसंद है, ये देखो वहीं पे खड़े रहेंगे और लेके आएंगे। मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को। मुझे लगा कि ये मना कर देंगे, इसलिए मैंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक गॉड आ रहे, मैं इसलिए नहीं बोलती रहती आपसे। अब मैंने बोला कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा था, आप सोचोगे कि खरीद लेता हूँ। नहीं चाहिए भाई मेरे को, पता चले ना किस साथ आता किस साथ नहीं आता। नहीं मुझे नहीं चाहिए। किसके साथ आता है देख लिया आपने? हाँ, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब ये इससे किसका पौधा बोलोगे आप? मजाक बना के रख रखा है वन ट्री हिल्स। सही बात है।
इतने सारे लोग यहाँ आए हैं। आओ यार घर से निकलो, ट्रैकिंग वगैरह करो, थोड़ा सा फिट हो जाओ, फिट होने का हक हमें भी है। छोले भटूरे पराठा और क्या पाव भाजी नहीं खा रहे थे। सही बात है। न्यू वर्ल्ड आ गए, जाते नहीं है, बस आज बुलाया उन्होंने तो जा। देखते हैं कि इतना जोरों शोरों से जो इन्होंने ऐड किया है वो किस लिए किया है, कुछ आने के लिए किया है, कुछ ऑफर भी, कुछ ऑफर भी देंगे या नहीं। अभी मैं ये ब्लॉग डाल दूंगी ना, आज ही डाल दूंगी, आज है सैटरडे, ठीक है। अगर कुछ ऑफर हुआ ना तो आप जल्दी से आ जाना यहाँ पे, ठीक है। और कार भी आ जाए। चलो चलिए विक्टोरिया पार्क, वेलकम नाउ में, लेट्स गो डैडी। मैं यहीं से ट्रॉली ले रही थी लेकिन अच्छे लोग हैं, चाइनीज अंकल थे, अच्छे थे, उन्होंने बोला कि ऊपर है वहाँ से लिए। क्या हम लकी हो सकते हैं? $20 शॉपिंग करो। यस, आज हम मैं $20 की शॉपिंग करेंगे करूंगी और हम जीतेंगे। देखते हैं। ऐसा ही था, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा ही था आज। चलो पार्टी अटेंड करते हैं, हमें भी बुलाया है यहाँ पे। लेट्स गो भाई, भीड़ तो इतनी है जैसे कि सभी जीत जाएंगे। अरे एक को मिलेगा ना डेली, डेली एक को है, 25 दिन तक होगा क्या ये? आप लोगों के पास भी मौका है, आओ और जीत के जाओ। भीड़, एक एप्पल बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। कितना क्यूट है, बैक से दिखा, कितना प्यारा लग रहा है ना। मैं एक ले रही हूँ इसे, थोड़ा सा कॉस्टली है और एप्पल से। यहाँ पे देख लो एप्पल की वैरायटीज़ देखो आप, ये सारे अलग अलग किस्म के हैं, गाला, ग्रैनी, पता नहीं कौन कौन सा है। गाला था, गाला एप्पल, ये भी, ये पता नहीं क्या है, ये भी एप्पल है क्या? नहीं, पियर्स नहीं। अच्छा, पियर्स की भी इतनी सारी वैरायटीज है, देखो चार तरह के तो यहाँ पे। सात्विक भी उठ गया, सात्विक लुक एट दिस, लुक, दिस इज व्हाट यू लाइक इट, मम्मा आल्सो लाइक इट। नहीं नहीं, मशरूम भी ठीक मिल रहा है यहाँ पे, वहाँ पे 5 का है ना, तो है कुछ तो है, मतलब सस्ता है कुछ। देखना यार ये इतना महंगा कैसे कर सकते हैं। ये सब्जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, और ये है, ये देखो $7 के आसपास। ये देखो, ये मैं $7 का लेती हूँ, ये सैलेड मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये यहाँ पे $5 के आसपास है, तो ये भी लूँगी। मिंट ले लिया लेकिन ये पौधे बस एक टाइम के लिए, खुशबू बहुत अच्छी है। यहाँ पे प्याज भी सही रेट पे है, मतलब $2-3 का आपको, $3-4 का आपको काउंटर में मिलेगा, और यहाँ पे है $1.5 के आसपास, डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए। सफ़ेद प्याज जो होता है वो, मतलब उसे काटने पे रोना नहीं आता है हमें, गलत बोलते सही में, वो हमें काटने पे रोना आता है उसे। और क्या लेना था? और मिंट ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, और आपको वो लेना है ना,
बर्तन मांजने वाला, मतलब हमें ले नहीं, नहीं, मुझे लेना, सही बात बर्तन धोने वाला लेना सब सीखे। सो के उठा है साथ ही, फिर सो गया। सोच रही हूँ पनीर का भी रेट देख लेती हूँ, यहाँ पे सब कुछ ही मतलब ठीक है, रीजनेबल है। पनीर उतने का ही ना, सेम ही रेट है, पनीर सेम है, पनीर आपको सेम रेट ही मिलेगा। अरे सस्ता मिला, पनीर की वैल्यू ज़्यादा है। हाँ बस बर्थडे है तो चॉकलेट तो मिलना ही है। मैं भी अपना एक फेवरेट उठा लेती हूँ, मेरा जो फेवरेट है आई थिंक नो, ये लू क्या, नहीं ये ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ। मुझे लाइम लेना है, लाइम मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है नींबू से ही काम चलाना पड़ेगा। मुझे दो यहाँ पे मुझे दो चीज़ बहुत अच्छी दिखी है, एक पाइनएप्पल आप लो और आपको कट करके वो दे देंगे, और एक जूस के लिए दो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक पाइनएप्पल वाला जो स्लाइस बना के, मुझे लगता है अच्छे अच्छे पाइनएप्पल बिक चुके हैं, अच्छे हैं या नहीं है। वहाँ से अपने बोतल उठाओ, ऑरेंज अच्छे नहीं है इसमें, मुझे भी नहीं लग रहे। तो पाइन एप्पल ले सकते हो अगर लेना है तो, लेकिन अच्छे वाले बिक चुके हैं, ग्रीन ग्रीन है, रहने ही देते। नेक्स्ट टाइम हाँ इसमें से कर सकते हो। ये रिफिल करने आ गए, अच्छा वाला पाइन एप्पल लेंगे और फिर हम भी करवाते हैं। साइड में कर देती हूँ, सात्विक का मन है। देखो इसका चीक कितना रेड क्यों हो गया, कोई बात नहीं हो जाता है। वहाँ पे ऑरेंज अच्छे नहीं है तो ये ऑरेंज डालेंगे इसमें, ये देखो। इसे फील करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, फील करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा है अनिल, ये अच्छा है, पका भी है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खोलना पड़ेगा, हाँ खोलो ऊपर करो। थर्ड स्लाइस पाइन पाइन स्लाइसर, हाँ हम भी पहली बार ही कर रहे हैं। अब देखते हैं कैसे कट होते हैं। स्टार्ट स्टार्ट ओह भाई ये क्या बचा, सो तो काट दिया। हम लोग काटने के चक्कर में नहीं लाते थे, सात्विक हैप्पी। आज हम अनोखे तरीके से पाइनएप्पल खाएंगे, कटिंग अनोखे तरीके से देखेंगे। कल हम ये $2 के आसपास ही, $2 का लेके आए ना, और यहाँ पे 99 सेंट में उठा लेती।
क्या वो? हाँ बर्तन धोने के लिए ना, कोई बात नहीं। अपना सामान चेक अनिल कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं अनिल बहुत ही जोरदार तरीके से। Simply spend $20 in a store. Write your details on the back of your receipt and top. अच्छा हमने कितना किया है? 30? मुझे congratulation लिख दे, happy birthday लिख दे। सो जिस डिनर की मैं बात कर रही थी वो डिनर ये है, हम चारों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे फ्रेंड को भी और हमें भी। हम ये डिनर में बहुत इजी तरीके से खा सकते हैं। मैंने पाइनएप्पल वाला बनाया था एक पानी, और एक नॉर्मल जो होता है फुचका का पानी वो बनाया था। बहुत तीखा लगेगा तुमको। हाँ सब तीखा है, कैसा बना? अच्छा कैसा बना सब? जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया कि आज कुछ ऐसा हुआ था, तो हुआ ये था कि ये है चार्टर्ड प्लेन हैप्पी 25th बर्थडे का बैनर लेके हमारे अपार्टमेंट की बालकनी के पास से जा रहा था, और बहुत ही अच्छा लगा। इतनी अच्छी मार्केटिंग कौन करता है यार, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने की थी। तो हमने सोचा क्यों ना शॉपिंग की जाए, और अगर आपको भी जाना है तो अच्छे ऑफर्स आपको मिल जाएंगे अभी कुछ दिनों के लिए। बस आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चलो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।